वो यह है, गांधी जी बुरे नहीं थे लेकिन वो अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं होते तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की वजह से आजादी हमें 35 साल देर से मिली और सावरकर के हाथों में चीजें होती तो 35 साल पहले आजाद हो जाती? तो ये बहुत आयरोनिक बात है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि जो अहिंसा के आदमी थे वो गोली से मरे और जो हिंसा के आदमी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत ऐसी चीजें हैं जो किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं है। और जब गांधी जी आमरण अनशन किया लेकिन उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि आमरण अनशन की जो बात करते हैं, अहिंसा की जो बात करते हैं, वो एक पॉलिटिकल टूल था, दिखावा था। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा की एक इंटरव्यू। उन्होंने एक वीर सावरकर को लेकर एक फिल्म बनाया और उस फिल्म बनाने के लिए उन्होंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च में जो निकले वो ही उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया। दोस्तों रणदीप हुड्डा ने कांग्रेस के बारे में जो बताया वो सुनकर आपकी होश उड़ने वाले है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले वीर सावरकर को क्यों गद्दार बताया था उसकी जवाब ये इंटरव्यू में मिलेंगे आपको। दोस्तों आज की ये शानदार डिबेट जरूर अंत तक देखना एंड ये डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिखकर ही जाना। चलिए आपको ये डिबेट दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों उनको फिर माफी वीर कहा जा रहा है आजकल? ये माफी वीर जब उनकी तरफ उनके खिलाफ बहुत गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया है, शुरू से ही चलाया गया है। वो शुरुआत वहाँ से हुई थी जब उन्हें रॉन्गफुली गांधी जी के मर्डर में अक्यूज़ किया गया था, हालांकि उनके कोई एविडेंस नहीं था, कोई जुडिशियल एविडेंस नहीं था। उनको बोला कि इनकी सोच की वजह से इनका ताल्लुक हो सकता है उससे, गोडसे के साथ उनका नाम आया था। जी जी जी, पर वो बाद में बरी हो गए थे। बरी हो गए थे क्योंकि एविडेंस तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं एस्टेब्लिश कर। क्यों उनका नाम जोड़ा गया था? हाँ, उसके पीछे कहानी है। क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में होती थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। जब मुस्लिम लीग वाले मोस्टली लीडर्स पाकिस्तान चले गए और कांग्रेस और हिंदू महासभा यहाँ रह गए, कितने लाखों हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आए थे और सब ने जो पार्टीशन का जो दर्द था, जो वायलेंस था, जो दुर्गति लोगों की हुई, सब ने देखी थी। तो पलड़ा अभी हिंदू महासभा की तरफ भारी होने लगा था। अब हिंदू महासभा के आइडियोलॉग और जो उनके प्रेसिडेंट रह चुके थे वो थे सावरकर। सावरकर जी को अक्यूज़ करके उन्हें पूरी हिंदू महासभा पे धब्बा लगा दिया, उसको विलीफाई कर दिया और 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस ऑलमोस्ट अनअपोज जीत गई और 70 साल तक हम पे राज किया एक ही परिवार ने, जिसके अगेंस्ट बहुत अगेंस्ट थे सावरकर जी। फिर उनको लगता था कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने कभी ज्यादा उनको दबाने, फिर कपूर कमीशन बैठाई जब उनकी, मतलब आप ही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, कांग्रेस के नेताओं की, समर्थकों की, उनके पूरे हिस्टोरियंस की, उनके हिस्टोरियंस जो थे, माजुमदार जी एक अपॉइंट किए गए थे पर उन्होंने जब सच्चाई लिखी तो उनको निकाल दिया था। फिर जो गवर्नमेंट क्रोनीज थे उन्होंने ही हमारा इतिहास लिखा, जो कि NCERT बुक्स में भी, उसमें भी मोस्टली लेफ्ट लीनिंग लोग होते थे जिन्होंने हमारा एजुकेशनल सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर इनका कोई जिक्र ही नहीं था, इनको बिल्कुल कर दिया। जब इनकी मौत हुई, जब ये, और ये भी बहुत अच्छी वो है कि गांधी जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों ने आमरण अनशन किया, कोई मरा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में सावरकर जी ने आमरण अनशन किया था, उन्होंने एंड ऑफ हिज लाइफ समाधि ली थी कि अब मैं इस देश के लिए सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ तो मैं जा रहा हूँ। उन्होंने आमरण अनशन किया था, समाधि ली थी। तो ये एक बहुत आयरोनिक बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि जो अहिंसा के आदमी थे वो गोली से मरे और जो हिंसा के आदमी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं है। और जब गांधी जी आमरण अनशन किया लेकिन उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई, कभी नहीं हुई, तो नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आमरण अनशन की जो बात करते हैं, अहिंसा की जो बात करते हैं, वो एक पॉलिटिकल टूल था, दिखावा था, जिससे कि लोग जुड़े। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गांधी जी का योगदान, मैं बिल्कुल भी उसको कम नहीं कर रहा हूँ हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में, पर मैंने एक बात की, भाई जो आदमी सावरकर जी वॉज अगेंस्ट फास्टिंग ऑल इज लाइफ, मतलब अगेंस्ट दिस कि भाई अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारे में ताकत कैसे आएगी लड़ने की। पर ये जब लेट नाइन्टीज में जब एक हिंदू लीनिंग पार्टी बीजेपी का जब वो पावर में आने लगे, तब इनके नाम, क्योंकि ये हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, उसके फादर बोल सकते हैं आप उनको, तो एक बढ़ती हुई दूसरी पॉलिटिकल सोच को दबाने के लिए इन पे ये लालचना लगानी शुरू की, माफी वीर थे, ये थे, वो थे, और किसी को नहीं पता है पॉलिटिकल रीजन से ये आरोप लगते हैं। आज भी एक्चुअली इन द हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सावरकर जी का नाम गांधी जी से ज़्यादा है, उनके ऊपर ज़्यादा बातचीत होती है
और उनको मरे कितना समय हो गया है, पर वो आज भी जीवित हैं। उनका हिंदुत्व का आइडिया आज भी किसी न किसी फॉर्म में हमारे देश को एक आइडेंटिटी, एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन का एक एहसास दिलाता रहता है। आपकी फिल्म के टीजर में वो जो डायलॉग है वो ये है, गांधी जी बुरे नहीं थे लेकिन वो अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं होते तो देश 35 साल पहले आज़ाद हो गया होता। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की वजह से आज़ादी हमें 35 साल देर से मिली और सावरकर के हाथों में चीज़ें होती तो 35 साल पहले आज़ाद हो जाता? जी, हमारा देश अहिंसा के रास्ते पे जब चलने लगा, वो एक बहुत ही दुनिया में हमारा उस अहिंसा के रास्ते ने बहुत नाम किया है, हमारी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है अहिंसा पर। उससे अहिंसा में जो डायलॉग हुआ, जो आदान प्रदान प्रस्ताव वो जो हुआ, उसमें बहुत समय लग गया। सावरकर जी जब सबसे ज़्यादा एक्टिव थे 1901 से 1910 तक, जब उनको कालापानी का कारावास की सज़ा की, दो लाइफ टाइम 50 साल की सज़ा उनको दी थी, तो उस वक्त उस टाइम पे सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी पंजाब में, महाराष्ट्र में, साउथ में, बंगाल में, और वो आपस में टच में आ गए थे। सावरकर जी की भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी कॉल्ड अभिनव भारत। 2014 से पहले क्या ये फिल्म बन सकती थी? मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं क्योंकि अब आप मेरे ख्याल से नहीं बन सकती थी। इसमें भी एक वाक्य है, हृदयनाथ मंगेशकर जी जो कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के भाई थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, तो उन्होंने एक लता जी की गाई हुई सावरकर जी की पोयम सागरा प्राण तड़मड़ला को उन्होंने वहाँ पे पेश किया, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। और ये भी एक फैक्ट है कि कोई नहीं जानता है कि सावरकर जी, तीनों भाई क्रांतिकारी थे, बाबा राव सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण राव सावरकर जो कि डॉक्टर थे, नारायण राव सावरकर को गांधी जी की हत्या के बाद मॉब लिंच किया गया था जिसमें वो मरे थे, गिरगांव चौपाटी में बॉम्बे में 8,000 ब्राह्मणों को मारा था, हमें नहीं बताया गया। तो कौन ऐसा बड़ा क्रांतिकारी है जिसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ हो और वो दुनिया को पता ना हो? ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, वो सब मैं उनके बारे में इतना जानता नहीं हूँ, मतलब सबके लिए एक कानून, सबके लिए कानून। सावरकर भी यही कहते हैं, वही इसीलिए मैंने पूछा। सावरकर जी यही कहते थे कि कांग्रेस की डिमांड है कि मुस्लिमों को ज़्यादा वो कुछ दे रहे हैं, ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, उनको ये लगता था कि एक मुस्लिम वोट तीन हिंदू वोट के बराबर होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो यही चाहते थे और हिंदू महासभा भी यही चाहती थी कि सब इक्वल हों, सबको एक ही राइट मिले, मेजोरिटी का भी वही राइट, माइनॉरिटी का भी वही राइट, किसी को भी कोई स्पेशल राइट ना मिले। आपने सावरकर को माफी वीर कहना सही है? बिल्कुल बकवास। जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।